तो आज के जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा ग्रिड लेआउट। तो ग्रिड लेआउट क्या होता है, इससे कैसे, किस टाइप के एप्लीकेशन बनते हैं और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, इस वीडियो में हम वो चीज़ सीखेंगे। ओके, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो डेट है आज की वो है 18 अक्टूबर 2023। लेकिन इस टाइम तक क्या हो चुका है, जो ग्रिड लेआउट है वो हो चुका है हमारा डेप्रिकेटेड। तो अब जो एंड्रॉयड स्टूडियो या एंड्रॉयड जो रिकमेंड करता है, वो रिकमेंड करता है आप यूज़ करो कंस्ट्रेंट लेआउट, और उसमें आपको एक प्रॉपर्टी मिलती है फ्लो नाम की, आप उसको यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। लेकिन फिर भी जैसा कि आपको पता है, ये जो सीरीज चल रही है इसमें हम सारे वीडियोस को फिक्स कर रहे हैं, जिसमें साउंड में कोई इशू है या फिर आपको आपको कॉन्सेप्ट समझने में इशू है उसको हम यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं। वो तो इसीलिए हम फिर भी हम इस वीडियो को बना रहे हैं जबकि वो चीज़ें डेप्रिकेटेड हो चुकी है। तो अगर आपको ऐसी चीज़ें पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को हमें लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप यूज़ करो आपका कंस्ट्रेंट लेआउट, और उसमें आप क्या यूज़ कर सकते हो, फ्लो को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम चलते हैं। अब हमने पिछले वीडियो में कस्टम टोस्ट के बारे में सीखा था और अब हम यहाँ पे ग्रिड लेआउट के बारे में यहाँ पे हम सीखने वाले। तो आप वेलकम टू न्यू इरा ऑफ एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट, और अब हम बनेंगे एंड्रॉइड के चैंपियन। सिंपली आना है यहाँ पे और आपको सर्च करना है ग्रिड लेआउट इन एंड्रॉयड। आपको इतना सर्च किया आपने और यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि ग्रिड लेआउट क्या होता है। तो मैं आपको इमेज से बताना चाहता हूँ कि ग्रिड लेआउट बेसिकली होता क्या है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ इमेज पे, और इमेज पे आने के बाद अगर आपको कुछ इस टाइप के, अगर आपको चीज़ें शो करवानी है, यानी कि चाहते हो आपकी ग्रिड के फॉर्म में आपके पास कुछ डेटा शो हो, तो आप क्या करोगे, ग्रिड लेआउट का आप यूज़ करोगे। ऐसा भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इस ये भी क्या है, हमारे पास ग्रिड लेआउट में ही बनाया हुआ है। तो कुछ ऐसे टाइप के, अगर आपको चीज़ें शो करवानी होगी तो आप क्या यूज़ करोगे, ग्रिड लेआउट को आप यहाँ पे यूज़ करोगे। तो मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रिड लेआउट होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को ग्रिड लेआउट के सीखने के बारे में। तो यहाँ पे मैं न्यू प्रोजेक्ट बनाऊंगा, एम टी व्यू एक्टिविटी सेलेक्ट करूँगा, न्यू पे सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा यहाँ पे ग्रिड ले आउट। मैंने इतना सर्च किया और यहाँ पे फिनिश करते हैं। और फिनिश करने के बाद मैं बिल्ड को ओपन करके देख लूँगा कि हमारे एप्लीकेशन में कोई भी इशू ना आए। तो हमारे बिल्ड यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, मिनिमाइज़ कर देता हूँ, और अब इस प्रोजेक्ट को हम यूज़ करने के लिए रेडी है। अगर कोई एरर वगैरह आता तो आपको उसको पहले ही फिक्स कर लेना है। ओके, अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ग्रिड जो लेआउट है वो आपका यहाँ पे डेप्रिकेटेड हो चुका है। तो आप लेआउट्स में आओगे तो आपको ग्रिड के नाम से आपको यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा, राइट? तो आपको ये कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा ये लेगेसी में। और लेगेसी में क्या चीज़ें होती है, जो चीज़ें अब डेप्रिकेटेड होने वाली है वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो देखो, आपको यहाँ पर ग्रिड लेआउट का ऑप्शन दिख रहा है जो कि हमारे लेगेसी में आ चुका है, राइट? तो आपको इसको क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको एक डाउनलोड का आइकन दिख रहा है, तो आप इसको डाउनलोड सबसे पहले करना है। तो इसकी डिपेंडेंसी डलती है, फिर इसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने डाउनलोड पे किया तो ये डिपेंडेंसी ऑटोमेटिक ऐड हो रही है, अभी हम बता रहा है। तो इसको आपको ओके करना है, और ओके करते आपके पास क्या होगा, इसकी डिपेंडेंसी ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी। ऐड हो गई और हमारे पास डाउनलोड का आइकन यहाँ पर जा चुका है, राइट? अब हम क्या है, परफेक्टली यूज़ करने के लिए हम ग्रिड लेआउट को रेडी है। तो मैं सबसे पहले इसको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पर चलने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपने जो लेआउट है कंस्ट्रेंट लेआउट, इसको मैं चेंज करूँगा यहाँ पे ग्रिड लेआउट में, राइट? तो मैं इसको यहाँ पे सर्च करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा मैं ग्रिड, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ग्रिड लेआउट का ऑप्शन। इसको मैंने सेलेक्ट किया तो अभी हमारा इसका जो बेस लेआउट है वो क्या बन चुका है, ग्रिड बन चुका है। अब आपको इसके अंदर आने के बाद जो भी आप ग्रिड के अंदर डालना चाहते हो, ग्रिड बनाना चाहते हो, वो आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीपल इमेज व्यू लेंगे और इसको हम यहाँ पे ग्रिड बनाएंगे, राइट? तो मैं यहाँ पे चलता हूँ कॉमन पे, और कॉमन के बाद आपको मिल जाएगा इमेज व्यू। तो मैंने यहाँ पे इमेज व्यू ऐड किया, और यहाँ पे आपको पूछ रहा है कौन सा आपको लेना है, तो मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया और एंटर किया। तो ये देखो, एक और मैंने एंटर किया, तो एक और मैंने सेलेक्ट किया, तो ये दूसरा आ गया मेरे पास, और एक और एंटर कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो ऐसे तरीके से आप यहाँ पे ग्रिड बना सकते हो, राइट? तो अभी तो ये कुछ नहीं हुआ है, अब आपको स्प्लिट में कोड में चलना है, और कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ मिलेगी आपको यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। तो सबसे पहले आप इसको यहाँ से हटा सकते हो, या फिर आप इसको कस्टम आके बता सकते हो कि आपको इस वाले इमेज को आपको कहाँ पे शो करवाना है। तो ये क्या होता है, ग्रिड जो होता है हमारे रो और कॉलम के काउंट में यहाँ पे चलता है। तो एक हमारे पास रो होता है और एक कॉलम होता है, इसमें हम बताते हैं कि आपको कहाँ पे इसको सेट करना है, राइट?
तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि आपका जो रो काउंट होगा वो कहाँ पे होगा और कॉलम काउंट यहाँ पे आपका क्या होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसको डाल दिया 3, तो ये हमारे 3 वाले कॉलम पे यहाँ पे जा चुका है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं है इसलिए 3 आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे कस्टम भी डाल सकते हैं कि इसका कॉलम कितना होगा और ग्रिड भी कितना होगा, मतलब रॉ भी कितना होगा, राइट। और 3, और यहाँ पर मैंने डाल दिया इसको 2, तो देखना ये 2 नंबर पर यहाँ पर ऑटोमेटिक मूव कर जाएगा। तो ऐसा कुछ काम होता है, लेकिन आपको इसको क्या करना है, इसको सबको रिमूव कर देना है। और रिमूव करने के बाद आपको देखना जो तीनों जी चीज़ें थी वो हमारे पास एक कॉलम में आ जाएगी। मैं अब यहाँ पे एक और टेक्स्ट भी इमेज भी यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। तो मैंने यहाँ पे एक और इमेज भी यूज़ किया। अब देखो ये क्या हुआ, हमारा जो चौथा इमेज जो था ना वो हमारे एक रॉ में ही यहाँ पे जा चुका है, राइट। लेकिन हम क्या चाहते हैं जो चौथा इमेज हो वो यहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टी मिलती है, तो इस प्रॉपर्टी में आपको जाना है स्प्लिट में, और स्प्लिट में आने के बाद आपको इस वाले में जाना है जो कि आपका ग्रिड लेआउट है। तो इसमें आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ मिलेगी। तो ये क्या है, हमारा रॉ है, तो रॉ काउंट आपका कितना होगा और कॉलम काउंट आपको कितना होगा, ये आपको बेसिकली यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सबसे पहले मैं लिखूँगा रॉ, तो आपको देखो आपको मिल जाएगा रॉ काउंट। तो आपको रॉ काउंट कितने रखने हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट 2। तो इससे क्या होगा, हमारा जो रॉ बनेगा ना वो 2 बनेगा, और हमें यहाँ पे एक मिलेगा कॉलम का। तो कॉलम यहाँ पे सर्च किया हमने और कॉलम काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो कॉलम में हम कितना चाहते हैं कि 3 डेटा शो हो, उसके बाद नेक्स्ट जो डेटा हो हमारे पास कहाँ पे आ जाए, नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो यहाँ पे क्या डालेंगे, 3 डालेंगे। तो 3 डालते हमारे पास क्या हुआ, 3 डेटा यहाँ पे शो हुआ, और उसके बाद चौथा जो डेटा था वो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, हमारे पास नीचे आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको डिज़ाइन पे लेके चलता हूँ, और यहाँ पे हम कुछ और इमेज यहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो 4 किया, ये भी यहाँ पे आया, 5 किया। अब देखो, अब जैसे मैंने ये ऐड किया ना, तो ये इसके बाद भी नीचे आ चुका है, राइट। तो ऐसे ही आपका क्या होता रहेगा, ये चलता रहेगा। तो आपको दोनों में से एक प्रॉपर्टी डालनी होती है, रॉ डालो या कॉलम डालो, उससे आपको इसको पता चल जाएगा कि आपको कैसे यूज़ करना है, राइट। तो ये हमने डाला, तो इस टाइप का आपका पास ये चीज़ें बन चुकी है। अब इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टी होती है कि मान लो कि चलो आपके इसके बीच में कुछ मार्जिन डालना है, इसके बीच में कुछ पैडिंग डालनी है, तो आप इसको कैसे यूज़ करोगे। सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट कर लेना है, और आपको क्या करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको जिस चीज़ पे मार्जिन डालना हो वहाँ पे आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे नॉर्मली मार्जिन या पैडिंग आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे 10 का मार्जिन डालूंगा, तो देखना इसके चारों और क्या आ जाएगा, 10 का मार्जिन हमारे पास आ चुका है। आप सब में चाहते हो तो सब में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 10 का मार्जिन डाल सकते हो, या पैडिंग भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 10 dp, तो देखो सब में हमारे पास 10 dp का मार्जिन आ चुका है, राइट। तो ये चीज़ें होती है हमारे पास ग्रिड लेआउट। तो आपको इस टाइप का कुछ भी डेटा आपको बनाना हो तो आप यहाँ पे ग्रिड लेआउट यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट यूज़ करो, और उसमें जाने के बाद आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन फ्लो का, आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको ग्रिड लेआउट को अच्छे से समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए आप डाल सकते हैं, या खुद के लिए भी आप कमेंट डाल सकते हैं, या कोई भी आपको टॉपिक अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो वो भी आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग नीट रूट्स।